हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं कि आप लोग जो है फ़ोन पे का जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसको कैसे डिलीट कर सकते हो। तो फ़ोन पे के अंदर काफ़ी सारे लोग जो है ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखो कि कैसे डिलीट कर सकते हो, इसका क्या प्रोसेस हो सकता है और किस तरीके से आपको करना है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और ये जो है पॉसिबल है कि नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखो, सारा चीज़ मैं आपको जो है क्लियर कर दूंगा। तो हिस्ट्री कुछ इस तरीके का होता है, देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे पेमेंट्स आपके होते हैं जो कि आपने किए होते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे पेमेंट्स जो है आपको डिलीट करना होता है यहाँ से। तो मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर जोमेटो से ऑर्डर किया था, मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ट्रांजेक्शन आईडी मिलता है, यूटीआर नंबर मिलता है, व्यू हिस्ट्री, स्प्लिट एक्सपेंस, शेयर रेसिपी, रिवॉर्ड और कॉन्टैक्ट, फोन पे सपोर्ट। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। किसी भी तरीके का जो है आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट में जाते हैं, क्लिक करना है नो वाले ऑप्शन पे, सपोर्ट वाला ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ पर आपको जो है मनी ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ट्रांसजेक्शन का जो स्टेटमेंट है उसको भी आप यहाँ पर जो है मंगवा सकते हो। यहाँ पर भी सपोर्ट वाले ऑप्शन के अंदर भी अगर आप देखते हो तो गाइस यहाँ पर भी जो है आपको किसी भी तरीके का कोई भी डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देख सकते हो मैं यहाँ पर सभी चीज़ें जो है आपके सामने खोल रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कोई भी जो है ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिससे मैं जो है अपना जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है उसको डिलीट करूँ। देख सकते हो मुझे किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। सभी के सभी चीज़ें जो हैं आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स मिलेंगे, सारे मतलब जितने भी फ़ोन पे के प्रॉब्लम्स हैं सभी आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको डिलीट का कोई भी जो है ऑप्शन नहीं मिलेगा। अदर मैं यहाँ पर मैं जाता हूँ तो अदर के अंदर भी जो है आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगा जिससे आप डिलीट कर सकते हो। मुझे किसी भी तरीके का कोई भी जो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो देखो लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि RBI का जो है गाइडलाइन है कि कहीं किसी भी ऐप से जो है आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते हो, चाहे वो कोई भी ऐप हो, चाहे आप गूगल पे यूज़ करते हो, चाहे आप फ़ोन पे यूज़ करते हो, चाहे आप भीम UPI यूज़ करते हो, चाहे आप बजाज फाइनेंस यूज़ करते हो, चाहे अमेजोन जो है UPI यूज़ करते हो, चाहे आप जो है व्हाट्सएप पेमेंट यूज़ करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो, किसी भी तरीके का जो है आपको कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मिलेगा जिससे आप जो है पेमेंट का हिस्ट्री डिलीट करो। यहाँ पर कि अगर आप कस्टमर से भी बात करते हो तो वहाँ पर भी आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वो लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे पेमेंट हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।